सीहोर के बुधनी में गरीबों को दिए जाने वाले राशन में कटौती करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर जनता प्रतिनिधियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पीडीएस की दुकान पर प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं दिया जाता था, लेकिन पिछले 2 महीने से 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूँ ही दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि 1 किलो गेहूं 1 महीने के लिए काफी नहीं है, इसकी मात्रा बढ़ाई जाए। वहीं पीडीएस के सेल्समैन लक्ष्मी नारायण तनेजा का कहना है कि ऊपर से आदेश आने के बाद ही गेहूं की मात्रा कम की गई है। गेहूं 1 केजी मिलता है सर, इतने में कुछ नहीं हो रहा है और इसका समस्या का समाधान करें सर। 1 किलो गेहूं मिलता है, उसमें क्या पेट भर आएगा, हमारा गुजारा नहीं होता। कौन दे रहा है 1 किलो गेहूँ? कंट्रोल सोसाइटी मिल गया है ना। पिछले दिनों से बुधनी नगर में एक बहुत बड़ी समस्या है और वो गरीबों की समस्या है। उस समस्या को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने मांग की है कि जो राशन की दुकान पर हर गरीब को, एक आदमी को 5 किलो गेहूँ मिलता था, पिछले महीने और इस महीने भी 1 किलो गेहूँ दिया जा रहा है। ऊपर से आदेश है 4 किलो चावल 1 किलो गेहूँ प्रति सदस्य के मान से 2 महीने का वितरण किया जा रहा है।